अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बीफ के बट का सूप बना रही हूँ, उसकी रेसिपी दिखाऊंगी। बट बोले तो इस तरह रहता है, बोटी से मोटा रहता है। 1 किलो बट के लिए मैं एक बड़ी प्याज काट के इस तरह बारीक रखती हूँ मैं, और एक मुट्ठी हरा धनिया है मतलब कथीमी, और एक बड़ा टमाटर काट के रखी हूँ। आधा स्पून हल्दी है, 2 पिंच गरम मसाले का पाउडर है, आधा स्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 स्पून अदरक, 1 स्पून लहसुन और थोड़ा नमक और थोड़ा पुदीना। कुकर में 1 किलो बट है ये मैं डाल दूंगी। हल्दी, गरम मसाले का पाउडर, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, नमक, प्याज, टमाटर, सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद लिड लगाकर इसको 4 विजल ये बिसान पानी में ही 4 विजल दे लेना है, पानी सूखने के लिए। बिसान पानी जो है गोश्त का सुखा लेना है, पानी नहीं डालना चाहिए, पानी सूखने के बाद ही पानी डालना है। 4 विजल होने के बाद कुकर का प्रेशर निकलने तक मैं दम को छोड़ देती हूँ। आप खोल के देखेंगे कि हमारे बट गले ही, मैं नहीं बोल के बोटी गल के नहीं है, उसे और 1-6 विजल दे लेंगे। मैं अब आधा लीटर पानी से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स कर लेने के बाद 6 विजल दे लेती हूँ। आपको जितना चाहे उतना सूप बना ले सकते हो, मतलब उतना पानी डाल सकते हो। 6 विजल देने के बाद मैं फिर खोल के बताती हूँ। 6 विजल आ गए हैं। आप इसे खोल के धनिया पत्ता और पुदीना डालकर इसको दम पे छोड़ देंगे। आपको जरूरत है तो हनी मिर्च डाल सकती और ना स्किप भी कर सकती। मिक्स कर लेना इसे, तरह मिक्स करके दम में छोड़ देना। पुदीना कथीमीर हरी मिर्च डालकर दम को छोड़ दी मैं। आप इसको खोल कर डिशोट कर लेंगे। बट का सूप बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी भी है, कम वक्त में भी बनता है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी डिश कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।